बॉलीवुड इंडस्ट्री में टाइगर श्रॉफ की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना एक अलग ही नाम कायम कर लिया है। बताना चाहेंगे, आमतौर पर टाइगर श्रॉफ बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो काफी शालीनता से बोलते हैं, और ठीक ऐसे ही कुछ हमें अभी हाल ही में देखने को मिला। बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान जब टाइगर श्रॉफ से पूछा गया सलमान खान के बारे में कि आप सलमान खान से क्या पूछना चाहेंगे, तो इस बात का जवाब देते हुए टाइगर श्रॉफ ने कहा कि मैं सलमान खान से बस इतना पूछना चाहता हूं कि सलमान खान की फ्लॉप फिल्में भी आखिर 100 करोड़ के क्लब में कैसे शामिल हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी फिल्में 100 करोड़ के क्लब में जगह बनाने के लिए काफी स्ट्रगल करती हैं। सलमान खान का जो ओहदा है, उनका जो स्टारडम है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, वो उन्होंने कैसे प्राप्त किया, हम भी उनके लेवल का बनना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ बयान टाइगर श्रॉफ ने सलमान खान को लेकर दिया। बताना चाहेंगे, टाइगर श्रॉफ के हिसाब से उन्होंने कहा कि सलमान खान की फ्लॉप फिल्में जो होती हैं वो भी आसानी से 100 करोड़ रुपए कमा लेती हैं, वहीं दूसरी ओर हमारी फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए काफी स्ट्रगल करती हैं। बताना चाहेंगे, साल 2018 में टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 आई थी और बागी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करी थी, लेकिन दोस्तों साल 2019 में बैक टू बैक उनकी दो फिल्में नजर आ सकती हैं। बताना चाहेंगे, धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 इसी साल रिलीज होने वाली है। वहीं पर यशराज के बैनर तले बन रही फिल्म ऋतिक वर्सेस टाइगर में भी वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। इस बात में कोई शक नहीं है, दोनों फिल्में फैंस के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाने वाली है और फैंस भी इन दोनों फिल्मों का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साल 2019 में हमें कई देशभक्ति भरी फिल्में देखने को मिलेंगी और उन देशभक्ति भरी फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन भी होता दिखेगा। बताना चाहेंगे, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं साल 2019 में रिलीज होने वाली 5 ऐसी देशभक्ति भरी फिल्में, जिन फिल्मों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे केसरी फिल्म की, जिस फिल्म को 21 मार्च 2019 को रिलीज किया जाना है। इस फिल्म में 21 सिख सैनिकों की शौर्य गाथा को दिखाया जाएगा और इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होने वाली है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आने वाली हैं। केसरी फिल्म का अभी हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और ट्रेलर देखने के बाद लोग फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही रोमियो अकबर वॉल्टर की बात करें तो इस फिल्म का भी दर्शक काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये फिल्म भी देशभक्ति पर आधारित होने वाली है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है, जिस फिल्म में जॉन अब्राहम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म को 12 अप्रैल 2019 को रिलीज किया जाना है और दर्शक भी इस फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के लुक पोस्टर और टीजर देखने के बाद फिल्म की कहानी काफी ज्यादा जबरदस्त लग रही है और जिस हिसाब से इस फिल्म का टीजर देखने को मिला है, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि फिल्म भी काफी ज्यादा धमाकेदार होगी। इसके अलावा सलमान खान भी देशभक्ति विरुद्ध फिल्म लेकर आ रहे हैं। उनकी फिल्म भारत 5 जून 2019 को रिलीज किया जाना, यानी ईद पर रिलीज होने वाली सलमान खान की भारत फिल्म एक देशभक्ति के जज्बे भरे जैसी होने वाली है, जिस फिल्म में सलमान खान के में 5 अलग अलग किरदार देखने को मिलेंगे। सलमान खान की फिल्म भारत का भी हाल ही में 26 जनवरी के मौके पर टीजर रिलीज हुआ था और टीजर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। सलमान खान की फिल्म भारत में कैटरीना कैफ, दिशा पाडवी, सुनील ग्रोवर, आसिफ शेख और जैकी श्रॉफ जैसे मुख्य किरदार फिल्म में देखने को मिलेंगे। ये फिल्म भी देशभक्ति पर आधारित होने वाली है। इसी के साथ ही अक्षय कुमार की मिशन मंगल की बात करें तो इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तय नहीं मानी जा रही है और बताया जा रहा है इस फिल्म को 15 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है। इस फिल्म में अक्षय कुमार अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देते नजर आएंगे। इसी के साथ ही 15 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म बाटला हाउस भी देशभक्ति के जज्बे भरे जैसी होने वाली है और इस फिल्म में जॉन अब्राहम नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी 5 ऐसी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में जिन फिल्मों में हमें देशभक्ति की झलक देखने को मिलेगी और ये सभी फिल्में बड़े बड़े सुपरस्टारों की हैं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में और आप किस बड़ी फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं। एक समय ऐसा भी था जब मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर एक दूसरे के बारे में बयान देने से बचते थे, लेकिन दोस्तों अब इन दोनों को एक साथ कई मौकों पर देखा जा चुका है। मलाइका अरोड़ा खान अर्जुन कपूर के फैमिली मेंबर के साथ छुट्टियां मनाते हुए कई बार स्पोर्ट की जा चुकी हैं और कई मौकों पर मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर को एक साथ भी देखा गया है। लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में जब खबर आई थी कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर क्रिश्चियन रीति रिवाज के साथ चर्च में शादी करने वाले हैं और अप्रैल में इन दोनों का प्लान है, तो इस बात का जवाब देते हुए पहली बार मलाइका अरोड़ा सामने आई है। बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान जब मलाइका अरोड़ा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये सारी बातें मीडिया की बनाई हुई हैं, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। वहीं पर अर्जुन कपूर से उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया तो मलाइका का जवाब था, अर्जुन और उनके बीच जो कुछ भी खबरें आ रही हैं ये सब मीडिया द्वारा बनाई गई हैं। खैर, मलाइका के इस जवाब में कितनी सच्चाई है ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के प्यार का सबूत मीडिया के कैमरे हमेशा से ही देते आए हैं और इस बात में कोई शक नहीं है कि मलाइका और
अर्जुन कपूर जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इन दोनों ने अभी भी रिश्ते को ऑफिशियली तौर पर अपनाया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते हैं उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि इन दोनों का वेडिंग प्लान जल्दी होने वाला है। क्या पता मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर गुपचुप तरीके से शादी कर लें और बाद में सबको चौंका दें। इसी के साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में सोनम कपूर के साथ मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर दिखे थे जहां पर वो छुट्टियां मनाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इन सबकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। खैर, मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर फैमिली मेंबर के साथ तो नजर आ रहे हैं। फैमिली मेंबर के साथ नजर आने पर यह तो साफ कहा जा सकता है कि फैमिली मेंबर ने तो इन दोनों के रिश्ते को अपना लिया है, लेकिन अभी भी इनके पेरेंट्स ने इन दोनों के रिश्ते को कबूल नहीं किया है। अभी तो इन दोनों को अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देखा गया है। खैर, बोनी कपूर अपने बेटे अर्जुन कपूर के रिश्ते को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शाहरुख खान की फिल्म जीरो फ्लॉप होने के बाद आखिर वो कौन सी फिल्म का हिस्सा बनेंगे, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन उनका अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है ये जानने के लिए उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। बताना चाहेंगे कि शाहरुख खान ने राकेश शर्मा बायोपिक सारे जहां से अच्छा छोड़ दी है, क्योंकि वो फरहान अख्तर की डॉन 3 कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी, लेकिन बाद में जो खबर आई कि ये सारी अफवाहें थी, इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है और शाहरुख खान के पास फिलहाल कोई भी फिल्म नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने खुद सारी अफवाहों पर अपनी मोहर लगा दी है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रितेश सिद्धवानी ने कहा कि डॉन 3 के लिए फिलहाल हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए फिल्म पर कोई काम नहीं चल रहा है, हम ये भी नहीं बता सकते कि फिल्म कब तक बनना शुरू हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा था कि डॉन द फाइनल चैप्टर नाम की फिल्म शाहरुख कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, अभी हाल ही में रितेश सिद्धवानी के इस इंटरव्यू से ये साफ साबित हो रहा है कि शाहरुख खान डॉन 3 का भी हिस्सा नहीं बनेंगे। फिलहाल वो कौन सी फिल्म में नजर आएंगे ये देखना वाकई दिलचस्प साबित होने वाला है। लेकिन अफवाहों में ये भी बताया जा रहा था कि शाहरुख खान जीरो के फ्लॉप होने के बाद अपने फैंस के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आने वाले थे और शायद उन्होंने डॉन 3 का चुनाव किया था, लेकिन दोस्तों, अब डॉन 3 भी नहीं बन रही है। ऐसे में शाहरुख खान के पास कौन सा प्रोजेक्ट होने वाला है और कौन सी फिल्म के साथ जबरदस्त कमबैक करेंगे शाहरुख खान, ये देखना वाकई दिलचस्प साबित होगा, क्योंकि शाहरुख खान एक लंबे समय से अपने फैंस को कोई बड़ी फिल्म नहीं दे पाए हैं, ऐसे में उन पर काफी ज्यादा दबाव बना हुआ है। यूं तो शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग कहा जाता है, लेकिन कई सालों से वो बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देते आए हैं। साल 2018 के शुरुआती महीने में हमने टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी की जोड़ी बागी 2 में देखी थी और बागी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित रही और साथ ही इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई, साथ ही इन दोनों की जोड़ी को फैंस ने बहुत ज्यादा सराहा। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप पर चुप्पी बनाए रखे हैं, लेकिन बॉलीवुड के इस लव वर्ड्स पर पहली बार टाइगर श्रॉफ के पापा जैकी श्रॉफ ने बात की है। जैकी श्रॉफ ने भी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान दोनों के रिलेशनशिप की खबरों पर कहा, मेरे बेटे को 25 साल की उम्र में पहली दोस्त मिली है, वो भी एक लड़की। दोनों का पैशन एक जैसा है, दोनों साथ में वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं। दिशा एक आर्मी परिवार की है, उसे अनुशासन क्या होता है ये उसे अच्छी तरीके से पता है। इसके साथ ही जैकी श्रॉफ ने ये भी कहा कि कौन जानता है कि दोनों भविष्य में शादी करें, हो सकता है जिंदगी भर अच्छे दोस्त ही बने रहें। तो दोस्तों, इस तरह टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ ने टाइगर और दिशा की रिलेशनशिप को लेकर अपना बयान दिया है। बताते चले, इससे पहले करण जौहर के चैट शो पर टाइगर श्रॉफ ने दिशा पाटनी संग रिलेशनशिप पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, मुझे दिशा की कंपनी बहुत पसंद है, हम दोनों की कई हॉबी मिलती हैं, इंडस्ट्री में मेरे दोस्त भी कम हैं और वो मेरे उन दोस्तों में से एक है जिसके साथ मैं रिलैक्स महसूस करता हूं। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है और आपको दिशा और टाइगर की जोड़ी कैसे लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म केसरी की बात करें तो ये फिल्म सारागढ़ की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है और ये एक पीरियड ड्रामा फिल्म है, जिस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ परिणीति चोपड़ा हमें देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर को लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली और जिस हिसाब से ट्रेलर को लोगों ने अपना रिस्पॉन्स दिया है, उस हिसाब से साफ कहा जा सकता है कि केसरी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती नजर आएगी। केसरी फिल्म को इसी महीने 21 मार्च को रिलीज किया जाना है और अक्षय कुमार फिल्म में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अभी हाल ही में मंगलवार को अक्षय कुमार ने फिल्म का बिहाइंड द सीन्स वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और वीडियो को धर्मा प्रोडक्शन के वेरीफाइड यूट्यूब चैनल पर भी शेयर किया गया है। ये फिल्म उन सिख जवानों की कहानी है जिन्होंने 10,000 हमलावरों से युद्ध लड़ा था। वीडियो में साफ देखने को मिल रहा है कि फिल्म के सबसे शानदार एक्शन सीन को किस तरीके से फिल्माया गया था। अक्षय कुमार वीडियो में बता रहे हैं कि फिल्म में दो एक्शन सीक्वेंस हैं, जिनमें से एक को हिमाचल प्रदेश के सीपीपीत में फिल्माया गया है और दूसरा मुंबई के वाई में। अक्षय ने बताया कि यह जंग 1987 में लड़ी गई थी और इसे दोबारा फिल्माने के लिए उन्हें लड़ाई के
उस वक्त के तरीके को सीखना पड़ा। केसरी फिल्म के बिहाइंड द सीन को देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में एक बोरी का किरदार निभाने के लिए अक्षय कुमार ने कितनी कड़ी मेहनत की है। हालांकि अक्षय कुमार की जितनी भी फिल्में आती हैं उनमें हमें उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और इस बात में कोई शक नहीं कि केसरी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म केसरी को लेकर और आप इस फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले खबर आई थी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशक संजय लीला भंसाली सलमान खान को लेकर एक बड़ी फिल्म बनाना चाह रहे हैं। फिल्म का नाम तो नहीं पता चला था, लेकिन खबरों में बताया गया था इस फिल्म का नाम होने वाला हम दिल दे चुके सनम 2। जी हां, हालांकि हमने आपको पहले भी बताया था कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन दोस्तों अब सलमान खान और संजय लीला भंसाली की फिल्म के लिए अब कुछ और नाम सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि भंसाली ने इंशाल्लाह टाइटल तो पहले ही रजिस्टर करवा लिया था, लेकिन अब सबने भंसाली को सलाह दी कि केवल इंशाल्लाह नाम अच्छा नहीं लगेगा। अब संजय लीला भंसाली ने फिल्म के लिए दो और नाम रजिस्टर करवा लिए हैं, दिल दे दिया इंशाल्लाह और प्यार हो गया इंशाल्लाह। ये दो नए नाम हैं जिस पर भंसाली सलमान खान को लेकर फिल्म बनाने वाले हैं। बताना चाहेंगे, भंसाली और सलमान खान की एक लंबे समय के बाद बॉलीवुड के पर्दे पर वापसी होने जा रही है और उनकी वापसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब जब सलमान खान और भंसाली की जोड़ी एक साथ आई है तब तक बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फिल्म देखने को मिली है। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा, अगर भंसाली सलमान खान को लेकर एक लव स्टोरी फिल्म बनाएंगे तो वो लव स्टोरी फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सलमान खान की इमेज हमेशा से एक लवर बॉय की रही है। वहीं दूसरी ओर वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग खत्म हो चुकी है और सलमान खान इसी महीने की 26 तारीख से दबंग 3 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दबंग 3 की शूटिंग महज 90 दिनों के भीतर खत्म कर ली जाएगी और इसके बाद वो भंसाली के इस प्रोजेक्ट में अपना हाथ पाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपकी इस बारे में क्या राय है और भंसाली के इस फिल्म में आपको सबसे कौन सा अच्छा नाम लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।